हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आप देख रहे हैं गो ग्रीन किचन गार्डन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। आज हम बात करेंगे जो हमारे घर पे खराब हुई झाड़ू का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कैसे कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारे घर में इस तरह की झाड़ू होती है, वो खराब हो जाती है, उसको हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं कचरे में। यदि आप गार्डनिंग करते हैं, इसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कैसे कर सकते हैं। जब हमारी झाड़ू खराब हो जाती है, बिल्कुल भी लगने के लिए नहीं रहती है, एक एक करके यह स्टिक, जो झाड़ू की स्टिक रहती है, इसको आप निकाल लीजिए। एक दो स्टिक निकाल लेंगे तो बाकी की सारी स्टिक निकल आएंगी। आप इसको बड़े आराम से निकालें, आपके हाथ में ना लग जाए। गार्डनिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे काम में ना आ सके, चाहे वो बोतल हो या डिब्बा हो या कुछ भी, हर चीज़ हमारे गार्डन में काम आती है। इसी तरह से हम इस झाड़ू में से भी कुछ ऐसी काम की चीज़ निकाल लेते हैं। इस झाड़ू में हमारे काम की चीज़ यह है कि ये स्टिक, यह जो बांस की स्टिक होती है, यह हमारे बहुत काम की होती है। जो लोग शहर में रहते हैं उनको इस तरह की स्टिक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग गांव की तरफ रहते हैं उनको तो बहुत आसानी से मिल जाती है। इन जो बांस की स्टिक का उपयोग हम अपने पौधों को सीधा रखने के लिए कर सकते हैं। हम अपने गिरे हुए पौधों को सीधा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत होती है और यह जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। बाकी की यह जो नरम स्टिक है का प्रयोग हम धूप में इसको सुखा लेंगे, उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे टुकड़े करने के बाद देखते हैं कि ये कुछ कोकोपीट की तरह हो जाएगी। आप चाहो तो इसको, जब आप सोयल बनाते हैं, इसको सोयल में मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी हल्की बनेगी और भुरभुरी बनेगी।